देखो सारे कैसे स्रोत भाई, कितने मासूम से लग रहे लौंडाला पहाड़ी, लेकिन अब जग जाएंगे तो पूरे घर में सारे तितर बितर ततैया से बिखर जाएंगे। ओह लल्ला उठ जाओ दादा, अरे उठ जा, अरे स्कूल ना जाने का यार, देर हो रही है। तैयार करने, नाश्ता बनाने, वो महाराज बाप पे कृपा करो, देखो आज बाप खुद उठाने आओ चल के। अरे यारो समझ ना, अरे स्कूल जाने तू चद्दर उड़ रहे हो, हम उठाने की बात कर रहे हैं तू उड़े जा रहे हो, अरे उठ जा महाराज। अरे पापा आप कौन सा, मैं जब उठूंगा तो 500 की नोट देने वाले हो, सोने दो ना पापा थोड़ी देर। ये पूरी हमारी औलादे हैं नाना, अब हमें बिल्कुल यकीन आ गया है, सारे बताओ सो रही है लेकिन बाप के बटुआ पे नजर है, अरे ओ उठ। पापा 5 मिनट सोने दो ना, बस 5 मिनट। अच्छा ठीक है प्लीज। ना पापा मुझे ना जगाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अभी मत जगाओ। यार तू तो बहुत बड़ो वालो है, अबे हमने हाथ भी ना लगाओ है, तू नाना नाना ततैया जैसे कांप रहो, उठ जा फटाफट। पापा बस 5 मिनट सो लें दो, बस 5 मिनट, अभी मुझे अपना सपना कंप्लीट कर लेने दो, मैं अभी स्टेज पे गानो गा रहा हूँ स्कूल की। अरे तो स्टेज से कब उतरेगो, और एक काम कर पूरो गानो गानो वालो सपनो ना देख, कहूं पब्लिक ने देख लो तो सारे टमाटर फेंक फेंक के मारेगी, पहले ही उठ जा। ऐसो है जो लल्ला हम आओ पहले उठे गो, स्टूल में पड़े हैं 200 रुपया बगल में और बगल में 100 रुपया, और जॉन लल्ला हम आओ सबसे पहले उठे गो, 200 बाकी 100 दूसरे के, नियम और शर्तें लागू। ओ, ए दादा ओ दोनों ने सबसे पहले मैं उठा, सबसे पहले मैं उठा। ठीक है अरे अरे बाप रे, अरे पापा आपने बोला था हमारे हैं, पापा चीटिंग कर रहे हैं देख। अभी क्या बोलूं? सुनो तुमने पूरी बात ही ना सुनी, हमने जो भी तो बोलो तो नियम और शर्तें लागू। यही से बड़े बुजुर्ग कहती हैं, बाप की पूरी बात सुनो करो, अब ज्यादा नाटक ना दिखाओ, उड़ो फटाफट चलो चलो सीधे। तने मरता तैयार जैसे नचतरा, पहले खुद तैयार हो, लौंडन के तैयार करो, भगवान करे आज 4-6 ठैया हाथ और एक्स्ट्रा लगा दी। अरे का बड़बड़ा रहो है, ए हपुआ हमारे लिए जरा चाय बना दे। हाउ हाउ अम्मा एक काम करे ना, हाउ साथ में हम गरम गरम पनीर के पकौड़ा भी तल दे रहे, और कहो तो मूंग की दाल को हलवा भी बना दे, और फरमाइशें हो तो पेल दे। अम्मा के पैर में मोच आई और तू ताने मार तार तार। अरे अम्मा तो मैं भी अभी पैर में मोच पड़वाने। ना 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 पंडित जी ने तो 3 दिन के बाद का मुहूर्त निकालो हो तो हम आओ मूड बदल गो, हमने कहा ना हम तो आज ही मोच पड़वाएंगे। मान लियो ना ना मान लियो रज्जू माए के गई ना, तो बाकी हिस्सा के भी ताने जितने हमारी खोपड़ी पे उड़ेल दियो। ना 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 रज्जू की बात ना कर, रज्जो को ताने मार के वा से लड़के हमाओ तो खून बढ़ जातो है तो। एक बात हती वा पट्टी लड़ते लड़ते भी चाय और दवाई टाइम से देती हती। ठीक है अम्मा ले आ रहे ना, चाय तो लेने जा रहे हम, तुम तो चाय ना होगी सारो बा में जैसे ऑक्सीजन घुसी है, ना मिलेगी तो दमा को अटैक आ जाएगो, ले आ रहे ना। सो भी बोलियो, अच्छा सुन चाय लाने से पहले जरा वो कंगी उतर धरिए, जरा दे दे कंगी। हाँ अच्छा सुन एक काम और कर दे राजा बेटा, बाथरूम में ना तेल की सीसी धरी है, जरा बोला दे शाबाश। थाने तुम चली जाओ फिर हमारी जगह ससुर। अरे अरे सुन बाथरूम में ना नलके के बगल में क्लिप पड़े होते, जरा वो भी ले आते बच्चा। जो बताओ अच्छी खासी चुटिया करें बैठी हूँ, अब क्लब भी चाहिए तो मैं एक बार में बताओ ना, जो कन्ने ऑनलाइन को डिलीवरी वाले हैं का जैसो ना चतरा जो ले आदू वो ले आदू। तो प्यार में मोच आती नहीं तो हम खुद ही ना कर लेते, तो सुना रहा हुआ। अरे अम्मा इंसानियत भी कछु चीज होती है,
तनक धैर्य धारण करो। जब तुम्हें पता है ससुर के घर में अबे रज्जू ना है, अकेलो लौंडा सारू ततैया की तरह नाच रहा हुआ घर में, और तुम मोहल्ला की शहजादी बनी। अच्छा अच्छा जा, बकैती ना कर, ज्यादा चाय पिलाए दे। ल्या रही, धैर्य धारण करो, सब मिलेगो, चाय कॉफी सब देंगे दादा। ल्या रही। अरे सुन, हाँ? रुक, चाय कैसी बनाएगा? सुन देख, दूध तो कम डालियो, थोड़ी सी चाय की पत्ती और दो आधा चम्मच शक्कर और तीन काली मिर्ची और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके और तीन तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी दालचीनी डाल दे, हल्दी भी डाल दो। तो जो मतलब सारी चाय ना भाई, फिर जन्माष्टमी को प्रसाद होगा। इतनो जो उतनो वो थर्मामीटर लेके बैठी हो, जैसी बनानी आती है सुबह ऐसी गटक लग जो। अरे ऐसी बनाना जैसे हम बता रहे हैं, सब आजकल ऐसी चाय पी रहे हैं। ज्यादा मन की चाहिए तो अवधेश कहाँ से बुला लो अपनी पुतरिया को। हाँ बुला ले। आओ हमारी खोपड़ी ना खाओ। चाय भी नसीब ना। जब भगवान को पतो हती ससुर के प्याज हर चीज में डलने हैं, तो फिर काय इतनी तकलीफ वाली चीज बनाई? तरक आसान कर दियो तो ना आदमी को काम। बाजार में मिल जाती कटी कटाई बढ़िया धुली धुलाई, या खेत ही में उगती सारी कटी कटाई, आदमी जातो उखाड़ तो बना तो। दिमाग खराब है, हर जगह से ससुर चिरांद फैली है, आदमी को कहूं चैन नहीं है। ऊपर से सारी जी लौंडा लपाड़ी लाइन लगा के पैदा कर दे, आप झेलो। अब लो, ये याद नहीं है अम्मा ने का कही थी, कम दूध की ज्यादा पानी की चाय बनाइयो, और बा में सारो अदरक डालियो, लहसुन डालियो, घुइया डालियो, तुलसी तुलसी डालियो। अब तुलसी लेन कौन जाएगा ससुर आंगन में? चीनी मिलेगी। चीनी ये तो खड़ो यार, तू आदमी है कि पजामा है? आदमी इतने काम में लगे हुए, कान में घुस के सारो विक्रम बेताल खेल रहा हुआ, चीनी मिलेगी? अरे मतलब ऐसा है कि चीनी खत्म हो गई थी घर में, तो चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, सुबह सुबह एकदम नस फटा जा रहा था, तो हमने सोचा कि मतलब चीनी लेके तुम तो चाय खुद ही बना रहे हो, एक काम करो, एक फटाफट एक कप चाय हमारे लिए भी, थोड़ा दूध बढ़ा के हमारे लिए बना दो। यार किस टाइप को आदमी है, इतने अकेलो दोस्त लंगुटिया यार, खुद को सारो देख रहे हुए, आंसू आ रहे ना, इतने काम में फंसे हुए, दिमाग खराब हो रहा हुआ है, और तुमको पिकनिक सूझ रही है। मतलब राजेश कब तक आएगी? हमें लग रहा हूँ जो काम हम जो खत्म करेंगे तब हमारे मरने के बाद राजेश आ जाएगी। तो एक काम करो, एक सलाह दें वकीलों वाला, हम ये कह रहे हैं कि तुम जब तक राजेश आ रही तब तक विमलेश को बुला लो, क्योंकि राजेश तो वहाँ आई है, खाली होगी वो, और विमलेश भी तुम्हारी साली है। एक बात सुन, अबे हमारी सच में कह रहे बहनी, हमारी खोपड़िया भन्नाई भाई है, और खोपड़िया खराब ना कर दी, सारे पालक को गट्ठर पूरो मुंह में घुसेड़ देंगे अगर तूने विमलेश पुराण शुरू कर दो। आदमी परेशान है, बिमलेश आके क्या करेगी, जीजा को मजाक उड़ाएगी, ये देखेगी देखो सारो लुंगी पहने सारो जीजा, कहूं गुइया छील लो, कहूं लहसुन छील लो, कहूं गुइया छील लो, लहसुन छील लो। आओ बिमलेश बुला लो। नौकर काय नहीं रख ले तो मदद हो जाएगी तुम्हारी। क्या बात, हमें थोड़ी अच्छी लगी तो बता। वैसे भी तेरी वकालत तो चल ना रही, तू कितने पैसा लेगू बता फिर, तू को हम काम पे रख ले रहे बता। क्या मतलब है वकालत चल नहीं रही? मतलब हर बात को घुमाए फिरा के हमारे वकालत पे काहे तुम पाउंड आउट कर लेते हो बे? हमें वकालत से चढ़ना है, हमें चढ़ है कि तेरे जैसे खाली मतलब लफंडर आदमी को वकील काहे बनाओ, बच्ची से हमें प्रॉब्लम है। हमारे जैसे का मतलब है हम कोई अलग विभाग के कैटेगरी के वो है का वकील ना? तो जिस टाइप को हम समझा रहे ना, मतलब जिस टाइप को मतलब है कि जो सारो अपने लंगुटिया यार को इतनो काम फैलो है हमारी छाती पे, वो देख रहा हुआ खड़ो खड़ो, सारो पत्थर की तरह खड़ो है, बुद्ध बनो भाव है, उसका कोनो गुंजा फर्क ना पड़ रहा हो, उस टाइप को आदमी। बस हमें दिक्कत है कि ऐसा आदमी वकील है तो काय है। ऐसे गुरु आत्मनिर्भर बनो, समझे? मतलब खुद अपना काम स्वयं करो, हम जैसे खुद अपना काम स्वयं करते, पूरे घर बार में झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब कुछ हम ही करते, इकलौते हम। अच्छा जो बता, तेरे घर में आदमी कितने हैं? हमारे घर मतलब मेरे घर में? तेरे ही घर में के दस घर हैं का तेरे? एक 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 का कर रहा हो सारे, तू अकेलो खुद ही तो है घर में? हमारे घर में लाइन लगी पड़ी है सारी, नोनो ठैया पैदा कर दे, अम्मा है, फिर हम हैं, रज्जो है, फिर ये छाती पे इतने काम है,
तो फिर हमारे घर में संख्या ज्यादा है तो हम ज्यादा परेशान है ना। अब बता तू, ठंडे दिमाग से सोचो सर। और ये हमारे घर में संख्या है नाम की, लेकिन ऐसे वैसे लौंडाला पहाड़ी भी आम आदमियों की तरह ना है, अतरंगी हैं, फिक्स है रेट फिक्स है, बाप से निछावर खाते हैं 300 रुपया तब जाके गद्दा से नीचे आते हैं बेड से। और फिर जी सब अगर काम में मदद मांगो बाकी रेट अलग है, 250, 225 भुइया, मतलब बहुत चिरान फैली है घर में। ये सपूत हमारे ऐसे वैसे ना है, बाप से निछावर खाती हैं, दिक्कतें बहुत हैं बहनी। हाँ तो ये बताओ कि राजेश जो है अपने मायके कहाँ गई है? अरे कहाँ गई को क्या मतलब है, बाकू बाप है ना जयंती, वो तनक तबीयत ढीली हो गई, बिस्तर में पसर गओ। हमने बोल दिया, हमने कि चले जाओ कछु दिन के चले जाओ, तब ये ढीली है बाप की, अब ऐसी गई है वहीं तंबू गाड़ के बैठ गई, और इतने पति सारो छिपकली बनू घूम रहा हूँ, हर आदमी बाकी पूछ पे लात मार रहा हूँ, ऐसे 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 नौटंकी हो रही है। अब जा देखो 6 घंटा से पकना रही, जो बता भिंडी में पानी कितना डालना चाहिए? भिंडी में पानी ना डलता है। भिंडी में काहे नहीं डलतो? गोभी में तो डलतो है, मटर में तो डलतो है, आलू टमाटर में तो डलतो है पानी, जय में काहे नहीं डलतो? हाँ क्योंकि वो गोभी है, आलू टमाटर है, मटर है, उसमें पानी डलता है। अरे तो जाका ओरंग तस्तरी है, जा भी तो सब्जी है, पानी ना डाले वो कैसे पकेगी? यार तुमको दरोगा किसने बनाया बे? को मतलब ये है गुरु कि भिंडी में पानी ना डलता, बाकी एक सेकंड हम तुमको तुम्हारे भाषा में समझाते हैं। कहे कि बियर में कभी पानी डलते हुए देखा है? डाल के पिया बियर ना? हम जो पीते हैं, मतलब हम जो टिकाते हैं, गांव में हम लोग पानी मिलाते हैं। तो ये जो है ना भिंडी जो है ना एक प्रकार से बियर है, भाजी सब्जी की बियर है, और वो जो है ना आलू टमाटर गोभी हमारे टिकाने वाली पदार्थ। अच्छा मतलब जो सब्जियों में जितने भी होती है, वो हो यार तू समझा तो बहुत बढ़िया है, अबे तूने समझाई? पहले समझ में ना आई, जैसे समझा आज रात में बनेगा प्रोग्राम, जल्दी काम निपटा दे। नहीं बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा बे? ये भी तो जेराने फैली है। एक काम करो, फटाफट हमारे लिए जो है ना एक बढ़िया सा मलाई मार के चाय बनाते हो, एक कप। तुलसी डाले हो कि नहीं? ले आओ ले आओ। जो तुम्हारे बाप को बटर है जो तुम इतना बर्बाद कर रही है, सारे छाती मार के कमा रहे, नौनो ठैया पाल रहे है। नो, मलाई मार के। दिखाओ। टिफिन बन गया। और कौन आ गया? वैसे क्या बना है टिफिन में? अचारी भिंडी बनाई है तुम्हारे पापा ने आज तुम्हारे लिए बेटा। भगवान जाने अब ये अचारी भिंडी है या फिर बिचारी भिंडी है। अच्छा भिंडी बेचारी लग रही, और बाप जो कोलू की बैल की तरह दिन भर सारो घर में जोत रहा हुआ है, ततैया की तरह नाच रहा हुआ है, बाप पे दया ना आ रही, सारे राक्षस। बस बस लो। कहा टिफिन? हाँ तो ले ना यार, एहसान कर रहे का कछु हम पे। यो पराठे, कम से कम अपनी शकल की तरह गोली बना देता। नहीं नहीं बाबू, का है ना तुम्हारे बाप की गलती नहीं है, मतलब क्या है कि ये पहले जो है ना इनका पूड़ी बनाने का प्लान था, तो पूड़ी बेल रहे थे, और बेलते बेलते प्लान चेंज हो गया, पराठे पे आ गया, तो फिर इसलिए सब कुछ बदल गया है। ये थारे को मारे टिफिन मिला था क्या यो मास्टर शेफ का ताऊ बनने खातिर? अरे मलाइका आज आज खा ले, अरे हम जल्दी ठीक आ जाएंगे तो बना दिया करेंगे। हाँ दादी चख लेंगे, थारे हाथ का भी चख लेंगे, अगर यो खाकर जिंदा बच गए तो। ऐसी खुराक रही ना तो हरियाणा पुलिस छोड़ो, कोई चौकीदार की नौकरी ना देगा मन्ने। मारे को ना खाना, मैं ना ले जा रही टिफिन, बापू पैसे दे। पैसा देखो का मतलब है सारे यार, हमारी ये कैसी औलादे हैं बेनी, राक्षस पैदा हो गई, बाप की बेइज्जती कर रहे पहले हैं, हमारी नमक खा रहे, हमारी रोटी ठूंस रहे, हमें फीस भर रहे स्कूल की हैं चंपक, और हम इसे कह रहे पैसा दियो। बापू शुकर मना कि मम्मी को ना ये सब खबर ना जा रही कि तू हमें कैसा कैसा खाना खिला रहा है, जो अगर पता चल गया ना तो यूं रिटायर करेगी थारे को बापू की पोस्ट से। हमारा तो वैसे भी पेट दुख रहा से, एक काम कर चल लिख देते हैं चिट्ठी, बताते हैं मम्मी को क्या चल रहा है यहाँ।
एक बात बताओ, औलादे ससुर बाप से पैसा ना मांगेंगी तो क्या पड़ोस से मांगेंगी? गलत बात है। एक सेकंड रुको, हमने सवेरे से निकाल के धर ली थी। हमको तो दो। आप वाह, आज चाय भी ठीक ना थी। तुम्हें भी देखा पैसा, ठेला लगो तो सड़क लियो चाय। नास बीटे, अपने जैसो निछावर खोर समझ रखो है हमें। अरे हमने तो इसलिए कहा कि दोबारा बनाएगा तो शायद अच्छी बना ले। हाँ यार खोदी पुत्र, हमारे लिए भी एक बढ़िया सी मतलब तुलसी डाल के एक चाय बना दियो। लियो, तुमने सारे चाय फेंक दी, हमें सारे दिहाड़ी वालों मजदूर समझो, है का? रात दिन सारे पीस रहे हो हमें, और आप पूरा दिन मम्मी को ये करो ये करो ये करो करते, उसका क्या? हाँ भाई, धर्म पत्नी है हमारी, अम्मा है तुम्हारी। तो अम्मा है तुम्हारी, बना दो उनके लिए भी। बना दियो। कहा बम्बोल सिंह, तो अभी तो राजेश की चिट्ठी, राजेश चिट्ठी लिख रही इस जमाने में है, वीडियो कॉल का जमाना है, वही से गरिया लेती तुमको बार बार के। ले पकड़ो। अरे वो तो नेटवर्क की दिक्कत है, और अपनी दिक्कतें बस ये चिट्ठी से भेज रही है। ले पढ़ो मताई की चिट्ठी। अरे बख्शीश ने ले लिया, छोड़ो। हमारे प्यारे लाडले बच्चों के पापा, आशा करते हैं कि सब ठीक हुई है। अम्मा की दवाई टाइम पे चल रही हुई है, और तुम बच्चन को पूरो ख्याल रखत हुई हो। हमारे पिताजी को ना ठीक होने में एक वक्त लगे है, तब तक हम इतने ही रहे हैं। हमने ना कुछ बातन की लिस्ट बनाई है, जिनको तुम्हें खूब ख्याल रखने हैं। अम्मा की दवाई सुबह शाम याद दिलाए के खिलाई दियो अपने हाथन से, और मलाइका के लाने ना दूध अलग से गर्म करके धर दियो, मलाई बालो। वो तो हमने पहले से गर्म करके धर दो। नहीं मतलब मलाई बाद में डालन वाली है, चिट्ठी पहले आ गई, डाल देंगी ना मलाई। सारे कांच के बर्तन वो अलग रखियो, हाँ टूट ना जाए, और ऋतिक को ना भिंडी मत दियो बिल्कुल टिफिन में, वो सब कुत्तन को खवाए देते हैं। सोने से पहले सबको दूध पिलानो बिल्कुल याद रखियो, और मलाइका से बोल दियो कि सबको होमवर्क एक बार चेक कर ले। सुनो, अपनी सेहत को ध्यान रखियो, और वह कमीने बेनी के साथ ज्यादा न टिकियो, वो तो अकेले रहत है, बा को चढ़ गई तो कछु नहीं हुई है। तुम तो बच्चन के साथ रहे हो ना, तुम्हें तो घर संभालने हैं ना। और एक बात और, बेनी ना हफ्ते में 2-3 बार आते चीनी लेने के बहाने, असल में बा को चाय पियन होते हैं। तो बा को ना तुलसी पत्ता डाल के चाय पिवाई दियो। हमें तुम्हारी बहुत ही याद आते है, अपनों ख्याल रखियो, और बच्चनों को और हमारी अम्माओं को, ठीक है? तुम सबको खूब सारो प्यार, राजेश बोल ले, राधे राधे। वो बर्नर पे दूध रखे आए थे चाय के लिए, हम चाय वहीं से मना के ले आते चाची के लिए। ऐसे काय पी रहो फिर? नहीं ये कप ले जाना, धुल के इसी में चाची के लिए ले आएंगे। लाए ना चाची? ठीक है। तो मैंने ढूंढी थी ना जा बहू, पूरे आंगन में नाची नाची जा रही थी, बदायूं की मिल गई, बदायूं की मिल गई बहू, लक्ष्मी मिल गई, गोइया मिल गई। तुमका सारे शकल देख रहे, चल सीधे स्कूल जा, और सन अगर भिंडी कुत्तन को खिलाई सारे सुताई करेंगे लौट के, चल सीधे। लिस्ट पढ़ के बापू के तो हवाई उड़ गए। दीदी शर्त लगाओ। किस बात की? 100 रुपए की शर्त लगाओ कि पापा पास होंगे या फेल। ये क्या है? सर आंसर शीट। हाँ वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये खाली क्यों है? सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं दिखावे के लिए, उसके बाद कुछ लिखते नहीं है उसमें। लेकिन ये तुम्हारी आंसर शीट है। सर दिखाइए। देखा? सर ओम लिखा है, मतलब ये मेरी है। हाँ मेरी है। हाँ बेटा ओम के साथ साथ आंसर्स भी लिखने होते हैं ना। हाँ सर ज्योमेट्री थोड़ी कमजोर है बस। तुम्हारी क्लास में ज्योमेट्री नहीं है? बातें बनवा लो तुमसे, क्लास को डिस्टर्ब करने के अलावा और कोई काम है तुम्हारा?
तुम्हें पता है तुम्हारे हर टेस्ट में कितने नंबर आते हैं? सर अभी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो रही है, याद नहीं रहता। हेल हो रहे हो, यदि यही हाल रहा तो ये क्लास नहीं निकाल पाओगे। भाई मैं क्यों नहीं ध्यान देते हो यार? सर मैं बहुत मन लगा के पढ़ता हूँ सच्ची सर। तो बेटा पर नंबर क्यों नहीं आते हैं? सर आप भी कभी मन लगा कर नंबर दीजिए, कभी कभी तो मैं सही लिखता होऊंगा ना। हाँ हाँ अपना नाम सही लिखे हो, अब मैथ के पेपर में नाम की स्पेलिंग का नंबर कैसे दे दूं? सर दादी कहती है कि दान पुण्य में बहुत शक्ति होती है। बेटा दादी सही कहती है, लेकिन दान पुण्य में ना दही पूरी मिलती है, नंबर नहीं मिलते हैं। अपने दोनों पेरेंट्स को लेकर आओ। क्या दोनों मम्मी पापा दोनों पेरेंट्स चाहिए मेरे को क्लास में, नहीं तो घुसने नहीं दूंगा। आना मत मेरे स्कूल में, नाम कटवा दूंगा तेरा मैं स्कूल से। पापा आ जाएंगे, मम्मी नहीं आ पाएंगी क्योंकि वो मायके गई हैं। कोई बहाना नहीं, मुझे मम्मी पापा दोनों चाहिए। चल जाओ क्लास में। बदतमीज। सर अभी तो गेम्स पीरियड चालू है। भाग यहाँ से। भाग। मैं हराम कर।